किसी एक के बाप की कटौती नहीं देने छोड़ा। देश पंडित बिस्मिल का, इस्बाक उल्लाह का, पंडित चंद्रशेखर आजाद का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। और दोस्तों फिलहाल हम हैं निराला प्रेक्षागृह में, आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। ये है निराला जी की मूर्ति। और यार अभी हम लोग आए हुए हैं, आज हमारे यहाँ कवि सम्मेलन है जैसा कि हमने आपको बताया था, उसी हम लोग आए हुए हैं। और ये पीछे आप देख सकते हैं मेरे, ये है निराला प्रेक्षागृह पूरा। चलते हैं अंदर, आपको दिखाएंगे अंदर के नज़ारे। जो वीरगंज को धोतक विधा थाना के कलाकार तैयार हैं, बहुत ही जल्दी और दोस्तों ये हैं हमारे उन्नाव के माननीय सांसद जी डॉक्टर साक्षी महाराज, और ये अपना उद्बोधन दे रहे हैं, साथ में उपस्थित हूँ मैं इनके साथ। एक कार्यक्रम चल रहा है, कुछ लोग कह रहे थे आज देखकर के लगा पहली बार कि हाँ देश आजाद हुआ है। लोगों को पहले महसूस नहीं हो रहा था कि देश आजाद हुआ है, पर किसी एक के बाप की कटौती नहीं देने छोड़ा। देश पंडित बिस्मिल का, इस्बाक उल्लाह का, पंडित चंद्रशेखर आजाद का, सरदार भगत सिंह का, झांसी की रानी का, रामगढ़ की रानी का, राजा राम भगत सिंह का, अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी का, और दोस्तों ये देख सकते हैं आप मेरे साथ है ये उन्नाव की बेटी नैना गौतम, बहुत ही बढ़िया आला गाती है ये। तो दोस्तों फिलहाल हम आ गए हैं घर। और यार आज आपने देखा कि हमने ऑफिस में हमारा था कवि सम्मेलन, जो कि निराला प्रेक्षागृह में हुआ था। काफी ज्यादा भीड़ थी और सबसे मस्त प्रस्तुति हुई जो नैना गौतम का आल्हा गायन की जो प्रस्तुति थी वो सबसे अच्छी हुई, और आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में। और आज यार विधायक जी तो आए थे यहाँ से, और साथ में सांसद जी भी आ गए थे, तो बहुत अच्छा लगा पूरे कार्यक्रम में। आप सबने देखा, आनंद लिया, और मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा आप सबको ये पूरा जो आज ये कार्यक्रम हुआ है हमारे कवि सम्मेलन में, कैसा लगा। और कल भी कुछ अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स हैं, कार्यक्रम हैं, वो मैं आपको कल के वीडियो में दिखाऊंगा। और यार आज वाली वीडियो में इसको फिलहाल आज की इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोस आप तक मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों कल के अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, बाय बाय।